अरे भैया क्या चल रहा है? अरे माय गॉड क्या फ्लिप्स हैं? कूल मैन। ये स्टंट तो थोड़ा हटके है भाई, जिसमें बॉडी से ज्यादा माइंड का साथ चाहिए। यार रपारप फुर्ती से इस बच्चे की उंगलियां चल रही हैं। स्क्रैम्बल क्यों मेरे हाथ में आता है? मेरे माइंड में वो चालू हो जाता है कि क्यों सॉल्व करना, और मेरे हाथ अपने आप मूव होने लगते हैं। OMG! दोस्तों, रूबिक्स क्यूब को अपनी उंगलियों में नचाकर सेट करने वाले ये लिटिल चैंप हैं अफान, रूबिक्स ग्रैंड मास्टर। 1974 में रूबिक्स क्यूब इन्वेंट किया था हंगरी के स्कल्प्टर और आर्किटेक्ट प्रोफेसर अर्नो रूबिक ने, और रूबिक्स क्यूब हम सभी ने खेला है, लेकिन देखते हैं कि अफान इससे क्या कारनामे करने वाला है। मैं 7x7 रूबिक्स क्यूब में अल्फाबेट लिखता हूँ। OMG! रूबिक्स क्यूब पे अल्फाबेट्स? ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। आए, ब्लाइंड फोल्डेड? एक तो इस कॉम्प्लिकेटेड क्यूब को सिर्फ सॉल्व नहीं, इस पर अल्फाबेट्स लिखना, ऊपर से ब्लाइंड फोल्डेड। अफान जीनियस बनने की कौन सी गोली खाते हो यार? एक्चुअली ब्लाइंड फोल्ड पहनने से पहले अफान क्यूब को अच्छे से देख लेता है कि वो कैसे स्क्रैम्बल्ड हैं, और अपनी मेमोरी की पावर से एक एक करके रूबिक्स क्यूब को सॉल्व कर लेता है। OMG! अफान मेरे दोस्त, क्यूब्स को अपनी उंगलियों पे नचाने का टैलेंट तुमने सीखा है या इसी के साथ पैदा हुए थे बेटा? मैं मोबाइल एडिक्ट बन चुका था। मेरे घर वाले, मेरे डैड सब मुझसे परेशान हो गए। एक दिन मेरे डैड ने मुझे पकड़ लिया छुप छुप के मोबाइल यूज़ करते वक्त। तो मेरे डैड ने मुझे एक क्यूब दिए, बोले मोबाइल से सीख कैसा इसको करते। यूट्यूब से हेल्प ली मैंने, और मैंने धीरे धीरे एक लेयर, सेकंड लेयर। मेरा दूसरे दिन के एंडिंग में जब मैंने तीसरा लेयर बना दिया, सब सरप्राइज हो गए, बोले कैसे कर लिया तूने। What other childrens take months to solve, Afan did it in 2 days. रूबिक्स क्यूब एक्सपर्ट बनने के बाद तो अफान ने स्कूल में टीचर्स को भी इम्प्रेस कर दिया। जब एक रूबिक क्यूब सॉल्व करते हैं तो बच्चों का जो मोटर स्किल्स है, जो ग्रॉस स्किल्स है, वो डेवलप अच्छे से होंगे। उनके कैलकुलेशंस, उनकी थिंकिंग बढ़ती है, फोकस बढ़ता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एबिलिटी है वो बढ़ता है बच्चों का। रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करना एक ऐसा चैलेंज है जो हर बच्चा लेना चाहता है। हालांकि इसे सॉल्व करने के कई एल्गोरिथम्स होते हैं। कोई क्यूब मतलब स्क्वायर शेप के होते हैं तो उसके इजी फार्मूला रहते हैं, लेकिन कोई कोई क्यूब के शेप अलग रहते तो उनके फार्मूलाज अलग रहते। लेकिन उन्हें याद करके इसे बनाना भी आसान नहीं है, और अफान तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही करते हैं। इन क्यूब पे लिखते हैं अल्फाबेट्स, वो भी अलग अलग लैंग्वेजेस में, मलयालम, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, पंजाबी से अलग अलग लैंग्वेजेस। तभी तो ब्लाइंड फोल्ड होकर सिर्फ 6 मिनट 42 सेकंड में रूबिक्स क्यूब पर A to Z अल्फाबेट्स लिखने वाले अफान का नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी है। मोबाइल एडिक्शन से निकलकर रूबिक्स क्यूब का जीनियस बनने का अफान का सफर वाकई इंस्पायर करता है। अफान, तुम जैसे जीनियस से ना सिर्फ इंडिया को बल्कि पूरे वर्ल्ड को इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। OMG! ये मेरा अफान।